गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर वचन। अगर आपको बाकी की वीडियो चाहिए तो आप गीता ठाकरन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे कहते हैं वचन। जैसे नदी, नदियाँ, तो नदी क्या है? एक वचन। नदियाँ क्या होगा? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है वो तो होता है एक वचन, और अनेक होने का पता चले वो होता है बहुवचन। ताला, ताले। ताला क्या? एक वचन। ताले क्या? बहुवचन। नदी, नदियाँ, नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। तो जो एक एक चीज़ के बारे में बताए वो तो होता है एक वचन, जो एक से ज़्यादा बताए वो होता है बहुवचन। नित्य एक वचन शब्द, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं नित्य एक वचन शब्द। जैसे पानी, शहद, दही, दूध, घी, भीड़, जनता, सभा, बारिश, क्रोध, लालच, प्यार, वर्षा, सोना, चांदी, लोहा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, सामान, सामग्री, पत्थर, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, सहायता, ताश, आकाश। ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज़ होते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। पानी, शहद, दही, दूध, घी, भीड़, जनता, सभा, बारिश, क्रोध, लालच, प्यार, वर्षा, सोना, चांदी, लोहा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, सामान, सामग्री, पत्थर, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, सहायता, ताश, आकाश। अधिकतर नित्य एकवचन शब्द द्रवाचक या भाववाचक संज्ञा होते हैं। अगर आपको देखा कोई भी द्रवाचक या भाववाचक संज्ञा तो वो क्या होती है? नित्य एकवचन शब्द। नित्य बहुवचन शब्द, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जो एक वचन में प्रयोग होंगे वो होंगे नित्य एक वचन शब्द, और जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे वो होंगे नित्य बहुवचन शब्द। अब ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश, लोग, दाम, अक्षत, रोंग, रोंगटे, रोग, रोंगटे, होठ, नेत्र, तेवर, अनेक, समाचार, भाग्य, हालचाल, आदरणीय। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश, लोग, दाम, अक्षत, रोग, रोंगटे, होठ, नेत्र, तेवर, अनेक, समाचार, भाग्य, हालचाल, आदरणीय। कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको बताना है कि एक वचन है या बहुवचन। बाहर बारिश हो रही है। अभी बारिश क्या बताता था? चाहे कैसा भी हो हमेशा क्या माना जाएगा? एक वचन। तो ये क्या आ जाएगा? एक वचन। शहद गिर गया, तो शहद भी किस में आता है? एक वचन में, जो हमेशा एक वचन में यूज़ होता है, तो एक वचन। पिताजी ने कहा तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये क्या आ जाएगा? बहुवचन। देखो यह पढ़ा था, बाल क्या होता है? बहुवचन शब्द। लालच अच्छा नहीं होता, लालच फिर से आ गई भाववाचक संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? एक वचन। कुछ विशेष नियम, आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए एक वचन की जगह क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन। जब भी आदर की बात हो, सम्मान की बात हो, तो हमेशा बहुवचन का बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक जी हमें पढ़ा रहे हैं, अध्यापक एक है पर हमें किसको आदर देने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पिताजी शाम को ही दफ्तर से लौटे हैं, पिताजी एक है पर लौटा है की जगह पर क्या आ जाएगा? लौटे हैं। एक वचन अकारांत पुलिंग, अकारांत पुलिंग क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि है, जैसे लड़का का आ, पत्ता आ, वे होके अकारांत पुलिंग शब्द। के आगे अगर ने, को, से, द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में पर आदि कोई विभक्ति आती है तो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया एकवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इस लड़
इस लड़का ने सुंदर कविता लिखी, तो ये क्या शुद्ध? लड़का तो एक है, एक वचन है, परंतु क्या होगा इस लड़के ने, तो ये क्या हो गया? बहुवचन में यूज, बट जो क्रिया होगी वो एक वचन में यूज होगी। इस लड़के ने सुंदर कविता सुनाई, क्या आ जाएगा? शुद्ध रूप आ जाएगा इसका। इस पत्ते को क्यों तोड़ रहे हो? अशुद्ध, बट पत्ता तो एक है, परंतु क्रिया एक वचन लगेगी, पर पत्ता की जगह पर क्या आ जाएगा? पत्ते। इस पत्ते को क्यों तोड़ रहे हो? एक पत्ता होने के बाद भी क्या आ रही है? देखो यहाँ पे बहुवचन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध रूप। संबोधन और विभक्ति बहुवचन में अंतर। बच्चों अपनी अपनी पुस्तक निकालो। संबोधन देते समय ओ का प्रयोग न करके ओ का प्रयोग करना चाहिए। निकालो ओ। किन किन बच्चों ने अभी तक अपनी पुस्तकें नहीं निकाली हैं? बहुवचन का यूज होगा। व्यक्ति बहुवचन में हो तो ओ का प्रयोग होता है। याद रखें कि संबोधन के समय बिंदी अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिंदी नहीं आएगी, क्या आएगी? चंद्र बिंदु की जगह बिंदी के प्रयोग की अशुद्धि। अब देखते हैं क्या क्या आई है अशुद्धि। समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुवचन रूप में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे ट्रकों की हड़ताल से खाने पीने की वस्तुएं हुई महंगी। यह प्रयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये वाला प्रयोग बता रहे हैं। हमें नियमानुसार बहुवचन में चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? ट्रकों की हड़ताल से खाने पीने की वस्तुएं, तो यहाँ वहाँ बिंदी लगी हुई थी, तो क्या आएगा? चांद बिंदी। तो अनुसार की जगह पर किसका प्रयोग होगा? अनुनासिक का, हुई महंगी। वचन बदलने के कुछ नियम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक वचन व बहुवचन रूप समान रहते हैं, जैसे फल, पेड़, बराती, बिंदु, भालू, पिता, योद्धा, चाचा, बाजार, कागज, फूल, राजा आदि। ये शब्द ऐसे होते हैं, ये एक वचन में भी ऐसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी ऐसे ही। प्रत्येक, हर कोई, हर आदि का प्रयोग एक वचन में तथा अनेक बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे अनेकों वर्ड गलत होगा। क्या यूज होना चाहिए? अनेक। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है एक वचन में। गण, जन, वर्ग, वृंद, लोक, सब आदि लगाकर बने बहुवचन शब्द, जैसे दर्शक का हो जाएगा दर्शक गण, अध्यापक का अध्यापक गण, अतिथि अतिथि गण, कवि कवि गण, यात्री यात्रीगण, प्रजा प्रजानन, छात्र छात्रजन, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्त वृंद, पक्षी पक्षी वृंद, आप लोग, तुम सब आदि। तो ऐसे एक वचन से बहुवचन बनाए जाएंगे। उदाहरण, फल गिरा एक वचन, पेड़ से फल गिरे तो आ जाएगा बहुवचन। फल का फल ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो हम जो ये वाक्य पढ़ रहे हैं, हमने गिरा के जगह पे क्या यूज़ कर दिया? गिरे, तो जिससे क्या बन गया? बहुवचन। यह कवि हंसाते हंसाते लोट पोट कर देता, तो एक वचन। ये कवि, यहाँ से क्या हो गया? ये, तो ये हो जाएगा बहुवचन। ये कवि हंसाते हंसाते लोट पोट कर देते हैं, मतलब कि हम शब्द में चेंज नहीं कर रहे, पर सेंटेंस का मीनिंग ऐसे निकाल देते हैं कि वो बहुवचन की तरह लगने लगता है। थैला थैले, पहुँचा पहुँचे, मूछ मूछे, दुआ दुआएं, विधि विधिया, पत्नी पत्नियां, पति पतिया, कठिनाई कठिनाइयां, दवाई दवाइयां। मात्रा हटाना या बड़ी है या छोटी हो जाएगी। धातु धातुएं, जू जूएं, बड़े हुए फिर छोटे हुए में चेंज हो जाएगा, बहु बहुए, सेम छोटा हुआ जाएगा। गो गोएं, बुढ़िया बुढ़िया, चांद बिंदी आ जाएगी। ओ यो के साथ विभक्ति पद बहुवचन रूप। पेड़ पेड़ों पर या से, पेड़ों पर या पेड़ों से। दरवाजा, दरवाजों को, दरवाजों से, दरवाजों पर। कवि, कवियों ने, कवियों को, कवियों से, तो ये वाक्य किस में हो जाएंगे? बहुवचन में। भिखारी, भिखारियों ने, भिखारियों से, भिखारियों पर, ऐसे ही शब्द का हम बहुवचन रूप बनाएंगे। साधु, साधुओं के लिए। रात रातों ने, रातों को,
रातों में, ऐसे बहुत से शब्द बनाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए आप गीता ठाकरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।